रोशन। अरे मिला अपनी मैया की जय। चलो अब हम सभी तैयार हो जाते हैं। चलो हेलो जी। हाँ वो सिटी हॉस्पिटल। हाँ जी। डॉक्टर अग्रवाल से कनेक्ट करेंगे मुझे प्लीज। सर डॉक्टर अग्रवाल तो है ही नहीं। डॉक्टर अग्रवाल तो इनफैक्ट दो दिन से तो आ ही नहीं रहे हैं। दो दिन से नहीं है जी। ठीक हे मां मिला भी सब कितने परेशान हैं। मुझे जल्दी से ठीक कर दो ना। ठीक होकर मैं अपने परिवार की मदद करना चाहती हूँ। सुनते हैं आज के दिन आप प्रकट हुई थी मैया। वो चमत्कार मेरे पुरखों ने देखा था। एक चमत्कार आज भी दिखा दो मैया। मेरी बच्ची को अपने चमत्कार से ठीक कर दो। मेरी बच्ची को अपने चमत्कार से ठीक कर दो मैया। मैया मैं हमेशा अपने लिए ही मांगती हूँ लेकिन आज मैं इस बच्ची की लंबी उम्र मांगती हूँ। इसने अभी दुनिया में कुछ नहीं देखा है। अभी इसे और जीना है। मिला अपनी मैया की जय। माँ चलो परिक्रमा। दीदी तो परिक्रमा मत कर बेटा। तेरी तबीयत ठीक नहीं है। चल चल बैठ आजा। माँ क्या हुआ? मैं परिक्रमा करूंगी माँ। विधि 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 आंखें खोलो। विधि विधि तुम ठीक हो? सर तुम फिर आ गए। माफ कीजिएगा इस तरह आना पड़ा। तो बहुत जरूरी बात करनी है। कोई बात नहीं सुननी है मुझे तुम्हारी। पर सुननी पड़ेगी। सबको बसा जी मैं आज यहीं किसी वक्त रुक जाओ। दे हरी बसा जी मैं आज यहीं वेदी से शादी करना चाहता हूं। उठो। ये क्या कर रहे हो तुम? मां मैं फैसला ले चुका हूं प्लीज।
आज यहां देख के लग रहा है कि माँ का कोई बहुत बड़ा उत्सव है। शुभ दिन भी है और आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, तो मैं आज ही शादी करना चाहूंगा। देव सर, शादी? पापा? आओ यहाँ पे। हरि प्रसाद जी, मैं विधि की बीमारी के बारे में जानता हूँ। हम दोनों को शादी करने की इजाजत दे दीजिए प्लीज। आप जानते हैं, फिर भी माफ कर दीजिए मुझे, मैंने बहुत अपमान किया है आपका, बहुत दिल दुखा है, बहुत बुरा भला कहा आपको, बाहर भी सबके सामने वो सब कहना पड़ा मुझे, क्योंकि देव साहब मैं नहीं चाहता कि विधि को पता चले। विधि के पास अब वक्त ही नहीं है। जितना बचा है मुझे दे दीजिए प्लीज। मैं चाहता हूं कि वो इन आखिरी दिनों में, आई होप ये आखिरी दिन ना हो, लेकिन वो मिसेस विधि देवराज रायचंद उनके पिता है। प्लीज माँ, बाबा की तबीयत खराब है और ऊपर से उदीप सर। विधि, तेरी तबीयत खराब है तो शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। माँ, आपको क्या हो गया है? आपको मेरी तबीयत की बड़ी, पापा की तबीयत खराब है ऑलरेडी उसमें। विमला सही कह रही, तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। आप भी तो विधि की खुशी चाहते हैं ना, तो प्लीज दे दीजिए ना इजाजत। आप जानते हैं देव सर, आप विधि की चिता के इर्द गिर्द साथ फेरे लेने की बात कर रहे हैं। जानना क्या करें प्लीज, अरे प्रसाद जी प्लीज हिम्मत कीजिए। ठीक कहती है बिमला कि अगर हम चांद सूरज भी हाथ में लेकर ढूंढने निकलते हैं ना, तो आप जैसा वर नहीं मिल पाता हमें विधि के लिए। हरि प्रसाद जी, मैंने इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ पता करवाया है, मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के टच में हूँ। ये जो डॉक्टर अग्रवाल है वो तो अभी मिल नहीं रहा है पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने अभी ह्यूस्टन टेक्सास फोन किया है, मैं वो भी बाकी सारे डॉक्टर्स के टच में हूँ विदेश में। हम पूरी कोशिश करेंगे, अब विदेश जाना पड़े तो हम विदेश भी जाएंगे, हम डॉक्टर से बात करेंगे। अभी इलाज नहीं है इसका, लेकिन हम शोर दुनिया में बहुत सारी जगहों पे इसके एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, कोई ना कोई तो निकालेगा इलाज इसका 100%। कुछ ना कुछ हो जाएगा, आप बिमला जी भी मेरे साथ आइएगा, हम जाएंगे एक साथ और विधि के इलाज की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर भगवान ना करे कि विधि हमको छोड़ के चले जाए, जो आई होप कभी ना हो, तो बस हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि उसके जो आखिरी दिन है वो सिर्फ खुशी से भरे होने चाहिए। हरि प्रसाद जी, विधि की चिता की नहीं, उसके कन्यादान की तैयारी कीजिए। प्लीज प्लीज हाँ कह दीजिए। मैं अभी हाँ नहीं कह पाऊंगा देव साहब, मुझे बिमला से बात करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं होगा हमारे लिए, तो वक्त चाहिए होगा। वक्त ही तो नहीं है, हर एक एक पल जो है वो भारी पड़ रहा है, जब विधि का सारा
ट्रीटमेंट देखना है। हाँ पर हमें थोड़ा वक्त चाहिए होगा। कितना वक्त? 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे के बाद मैं आपसे मिलने आऊंगा। मुझे अपना जवाब दे दीजिएगा। आपकी इजाजत हो तो मैं विधि से 2 मिनट बात कर सकता हूँ। पर ध्यान रह के विधि को पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता विधि इस बीमारी के बारे में कुछ भी जाने, तो इसलिए उसके सामने मैं ऐसे ही कठोर बना जाऊंगा। उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। आप चिंता मत कीजिए। मामी, क्या लगता है आपको, मामा मान जाएंगे? हरी प्रसाद जी ने 24 घंटे मांगे, 24 घंटों के बाद मैं लौटूंगा इनका फैसला सुनने। विधि, तुम्हें कहानी सुनाना बहुत पसंद है ना, तो हमारी प्यार की कहानी अधूरी कैसे सुनाओगी? प्यार किया है, शादी करके उसे पूरा तो करना पड़ेगा ना, तभी तो सुनाओगी। जाइए आप लोग यहां से अभी, 24 घंटे बाद मेरा फैसला पता चल जाएगा आप लोगों को। मैंने कहा था ना थे तो हाँ, यहां नहीं प्लीज, बाहर चल के बात करते। ओके हरि प्रसाद जी, ये 24 घंटे के बाद आपका फैसला हाँ अगर नहीं हुआ तो मैं खुद फैसला लेने पे मजबूर हो जाऊंगा। मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं आप लोग, जाइए आप लोग यहां से अभी। चलिए मां। देव, तुझे ऐसे हालातों में विधि का हाथ नहीं थामना चाहिए था, मैंने तुझसे मना किया था। माँ, विधि से मिलने के बाद मुझे सिर्फ एक ही बात का एहसास हुआ कि वो मेरी आत्मा का एक हिस्सा है। हेलो, हाँ जी, वो डॉक्टर अग्रवाल का कुछ पता चला? नहीं साहब, वो मैंने मालूम किया लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं, 2 दिन से आ ही नहीं रहा है। नहीं, लेकिन है कहाँ वो? पता नहीं साहब। हेलो, मेडिकल काउंसिल से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, वो डॉक्टर अग्रवाल के बारे में मुझे पता करना था। जी वही। हाँ, 2-3 दिन से गायब है, मुझे भी पता है, लेकिन हैं कहाँ? किसी को कुछ नहीं पता उनके बारे में। प्लीज मुझे उनके बारे में बताइए, देखिए किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज। बुलजाए। नॉट बैड अंबाजी, निशाना तो एकदम परफेक्ट है आपका और प्लान भी बहुत सही है, लेकिन ये सब करके आप भाई साहब को हासिल कैसे करेंगे? कर तो रही हूं, डॉक्टर को गायब कर दिया, कोई सुराग नहीं, कोई उम्मीद नहीं, रास्ता बन रहा है। मैं तुझे किसी मरती हुई लड़की के साथ शादी करने नहीं दूंगी। माँ, आप पिता की मौत देख रही और मैं उसकी जिंदगी, 3 महीने क्या, अगर मुझे उसके साथ 3 दिन भी मिल जाए ना, मेरे लिए उतना ही काफी होगा। मैं उसके साथ इतनी खूबसूरत यादें बनाऊंगा कि मेरी बाकी की जिंदगी के लिए उतनी यादें काफी होंगी।
सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस अब आपका ये प्लान काम भी कर जाए, वरना उस मिडिल क्लास लड़की को अपना रिश्तेदार बनाना पड़ेगा। कभी देखा है आपने उसे? जब भाई साहब के साथ थके हुए कपड़े पहन के खड़ी होती है ना, आई फील सो एम्बैरेस्ड। लेकिन अब मैं एक्साइटेड हूँ, फाइनली प्रॉपर्टी की विल बनेगी एंड थैंक गॉड फॉर दैट। मैं अपने आप को सिक्योर कर पाऊंगी। योर टर्न। मामा, ये जरा देखो ना, 24 घंटे का क्या चक्कर है? पापा से बात कीजिए ना, ऐसी क्या बात हुई है उनके और देव सर के बीच में? विधु, तू संध्या आरती और प्रसाद की तैयारी कर, मैं हूं ना, मैं जाती हूँ। चाचा चाची को लेके तेरे पापा से बात करती हूँ, तो चिंता मत कर। अब जाइए। देख बस, मैं अब नहीं चुप रह सकती। अगर डॉक्टर उसके घर वाले विधि को नहीं बता पा रहे तो मैं बता देती हूँ। नहीं माँ, आप उसे नहीं बताएंगे, आपको मेरी कसम है, प्लीज। ठीक है, तो फिर तू खुद बता दे विधि को, उसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपा रहा है? पापा के आखिरी दिनों में आपने उन्हें क्यों नहीं बताया कि वो जाने वाले? क्यों छुपाया आपने? एक बार तो डॉक्टर ने भी बोल दिया था ना, फिर भी आपने छुपाया क्यों? कैसे बता दूं किसी को जो इंसान मरने वाला है उसको कि वो मरने वाला है? विधि के पापा ने 24 घंटे मांगे, क्या आप 24 घंटे रुक सकती हैं? मेरे ख्याल से हमें ये फैसला हरिप्रसाद जी पे छोड़ देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो खुद विधि को बता देंगे। तुम्हें पता है ना, देव से पंगा मतलब अंबा से दुश्मनी मोल लेना है। ऑफ कोर्स अंबा जी, कोर्स। निशाना लगाओ। चौबीस घंटे की मोहलत मांगी है देव साहब से, समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। और विधि, विधि को तो पता भी नहीं है कि देव जी सब जानते बूझते हमारे पास विधि का हाथ मांगने आए, ये बहुत बड़ी बात है। भाभी ठीक कह रही हैं, हमें या तो विधि को अभी सब कुछ बता देना चाहिए या फिर कभी नहीं। बस देव जी के साथ शादी करवा कर उसका इलाज जारी रखें, जैसे देव जी ने कहा है। कम से कम अपने आखिरी वक्त में तो वो खुश रहेगी। आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ विधि के बारे में सोचिए, सारी पिछली बातों को भुला के। एक आदमी सारी बातों को जानते हुए भी आपकी बेटी के लिए आया है। मैं जानता हूं भैया आप इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं भैया। ये देव जी का बड़प्पन है, विधि के लिए उनका प्यार है, जो वो सिर्फ विधि के बारे में सोच रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो पूरी दुनिया की ताकत लगा देंगे विधि को बचाने के लिए, और अगर ना भी बचा पाए तो कम से कम हमारी बच्ची 4 दिन खुशी से रहेगी।